नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संजय झा है और आज का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस फूड कॉस्ट इन अ रेस्टोरेंट। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास के मार्केट में एक मस्त सा ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट खुलता है और वो कुछ समय बाद या यूं कहिए कुछ महीने बाद बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उनके पास कस्टमर नहीं था या फिर वो अच्छा खाना नहीं देता था, बल्कि वो अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पाया और लॉस कर बैठा। नतीजा उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद करना ही बेहतर विकल्प समझा। इसीलिए एक रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रेस्टोरेंट में कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो है फूड कॉस्ट का। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिड्यूस फूड कॉस्ट इन अ रेस्टोरेंट। देखिए, फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि एक बार काम कर दिया जी अब तो फूड कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है और ना ही फूड कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज करना होता है, बल्कि फूड कॉस्ट कंट्रोलिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन डेली बेसिस। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें से आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने रेस्टोरेंट का फूड कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और जो पहला तरीका है वो है नेगोशिएट फूड प्राइस विद योर वेंडर। आप अपने एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ फूड की परचेज कॉस्ट को कम करने के लिए नेगोशिएट करें, कोई अच्छा डील लेके उनके साथ आए। अगर बात ना बने तो अलग अलग वेंडर से मिलें जब तक आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रोडक्ट ना मिले। तो ऐसे करके आप परचेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं, फूड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है परचेज फूड अकॉर्डिंग टू योर कंजप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप फूड परचेज करें सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनाएं, और परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको एवरेज डेली यूजेस का पता होना बहुत जरूरी है। पिछले चार हफ्ते का आप अपने रेस्टोरेंट का एवरेज डेली यूजेस निकाल लीजिए सारे प्रोडक्ट का, और जितने दिन का सामान मंगाने हैं कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी को माइनस कर दीजिए और उसमें 25% बफर एड ऑन करके ऑर्डर कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब तक अगली डिलीवरी आएगी आपके पास सामान खत्म हो रहा होगा, फी फॉर मेंटेन होगा, वेस्टेज कम से कम होगा, कोई डेड इन्वेंटरी नहीं पड़ा रहेगा। जो तीसरा तरीका है वो है मेंटेन टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान आपने परचेज किया है उसको करेक्ट टाइम एंड टेम्परेचर पे रखें ताकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और फ्रेशनेस एंड तक बनी रहे, कोई वेस्टेज ना हो। जो चौथा तरीका है वो है मेक अ बिल टू चार्ट टू प्रिपेयर फूड। ये बिल टू चार्ट क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब रेस्टोरेंट में सेफ फूड प्रिपेयर करते हैं या सेमी कुक करते हैं तो कभी बहुत ज्यादा बना देता है या कभी कम बन जाता है, जिसकी वजह से वेस्टेज बढ़ जाता है या फिर सेल का लॉस होता है। इसीलिए बिल टू चार्ट बनाने से आपको एग्जैक्ट प्रिपरेशन बना पड़ेगा। और ये बिल टू चार्ट कैसे बनता है, इसके लिए उन सारे प्रोडक्ट का आपको एवरेज डेली यूजेस का पता होना बहुत जरूरी है कि लंच में कितना प्रोडक्ट निकलता है, डिनर में कितना प्रोडक्ट निकलता है, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करें ताकि आपका वेस्टेज कम से कम हो। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फॉलो एसओपीज टू प्रिपेयर फूड। एसओपीज क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने कभी ध्यान दिया, जब भी आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं आप देखना हर बार एक जैसा सेम टेस्ट होता है, या बर्गर ऑर्डर किया होगा हर बार एक जैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि वो एक रेसिपी डेवलप करके रखा है, एक एसओपीज मेंटेन करके रखा है, जब भी जो भी बनाता है उसी रेसिपी से बनाता है, हर बार मेजर करके बनाता है, इसीलिए उनका एक जैसा आता है, सेम टेस्ट आता है। और ऐसा करने से
आपका ओवर पोर्शनिंग और अंडर पोर्शनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो सिक्स पॉइंट है वो है टेक डेली वीकली मंथली इन्वेंट्री। ये क्या हुआ कि आपको डेली इन्वेंट्री लेने हैं, समसीट करने हैं, वीकली फूड कॉस्ट निकालना है, ताकि आपको डेली बेसिस पे ये पता चलता रहे कि कोई वेस्टेज तो नहीं है, कोई पिलफ्रेज तो नहीं है, कोई ओवर पोर्शनिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो आप दूसरे दिन ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीकली फूड कॉस्ट निकालें ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आप कहां पे लेवल कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस लेवल पे चल रहे हैं। तो डेली वीकली मंथली इन्वेंट्री लेना बहुत जरूरी है। जो सेवेंथ पॉइंट है वो है ट्रेन योर स्टाफ टू इंप्लीमेंट इट। यही सारे काम करने के लिए अपने स्टाफ को ट्रेन करें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाएं कि डेली इन्वेंटरी कैसे लेते हैं, समसीट कैसे करते हैं, वीकली फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एसओपीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बिल टू चार्ट कैसे बनाते हैं, परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। यही सारे काम करने के लिए आप अपने स्टाफ को ट्रेन करें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाएं। और एट पॉइंट है अपडेट मेन्यू प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइम टू टाइम अपने मेन्यू को भी अपडेट करें, उसकी प्राइस को भी बढ़ाएं, वरना पता चलेगा कि आपके डिश की बेस कॉस्ट है 40 रुपीज और आप बेच रहे 100 रुपए का, तो 40% फूड कॉस्ट तो यहीं पे है। कितनों भी आप मगजमारी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए टाइम टू टाइम मेन्यू प्राइस को भी अपडेट करना, उसकी प्राइस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 पॉइंट बता रहा हूं, इसे इंप्लीमेंट करके देखिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका फूड कॉस्ट कंट्रोल में होगा, मिनिमाइज रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।